कब्जा माफिया हो जाए होशियार, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार भरपूर मुहिम चलाने के लिए तैयार। वजीर आला ने तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। बूरेवाला में हवा की बेटी जिनसी दरिंदों की मुबैना हवस का शिकार, गवाखाने में दो माह तक दर्जन से ज्यादा अफराद जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे, पुलिस एहलकार भी घिनौने फेल में शामिल, मुतासरा लड़की का इल्जाम आज खातून को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। घरेलू मुलाजमीन पर मालिकान का जुल्मो सितम कब थमेगा, बखर में पीटीआई के एमएनए सनाउला मस्ती खेल की सास का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, परवीन बीबी का घरेलू मुलाजमा से इंसानियत सोज सलूक, वालिदैन का भी मालिक पर बदतरीन तशद्दुद का इल्जाम, मुकदमा दर्ज, डीपीओ बखर ने रिपोर्ट तलब कर ली। कमसिन बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात न थम सके, बहावनगर दानिश स्कूल में सातवीं क्लास के तालबिल्म से मुबैना ज्यादती का वाकया, साथी तालबिल्म ने अपने ही साथी को दरिंदगी का निशाना बना डाला, प्रिंसिपल दानिश स्कूल और इंतजामिया की वाकई को छुपाने की कोशिश, मुलजिम तालबिल्म की हालत गैर होने पर मौका से फरार। माँ बाप में लड़ाई की सजा बच्चे को भुगतना पड़ी, बूरेवाला गुलशन वहाब टाउन में मियां बीवी के मबैन झगड़ा, पुलिस ने बाप के तशद्दुद का शिकार 12 साल का बच्चा बाजियाब करवा लिया, अहले मोहल्ला के इतला पर पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवाया, अब्बू जंजीरों से बांध कर रखते हैं और मारते हैं, मुतासरा बच्चे का बयान। म्युनिसिपल कमेटी मिंचनाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर की खातून से नजेबा हरकत का वाकया, मुतासरा खातून की दरखास्त पर ज्यादती के मुर्तकिब ऑफिसर हबीबुल्ला चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्तान में सीटीडी की कामयाब कार्रवाई, तीन दहशतगर्द गिरफ्तार करके असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। कहरोड पक्का पुलिस की आतिशबाजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ इलाकों से भारी मकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद, तीन मुलजिम गिरफ्तार। सनावा कस्बा गुरमानी अड्डे पर डकैती के वारदात, तीन अफराद ने मशहूर दुकानदार सेठ आजम को यरगवाल बना लिया, मजाहमत पर मुलजमान की फायरिंग से सेठ आजम जाम बहक, मुलजमान फरार होने में कामयाब, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। और शरीफ पुलिस की मौजा मामून आबाद में कार्रवाई, जाली जरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर मुख्तलिफ कंपनीज के जाली अद्वियात और केमिकल्स बरामद, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुल्तान में सीमेंट बजरी के प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं के खिलाफ अनोखा एहतजाज, दुनियापुर रोड पर शहरियों की मुर्गापन कर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, एमडीए की इजाजत से 10 साल से फैक्ट्री चल रही है, इलाके में मूजी बीमारियां फैलने लगी, मुजाहरीन ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। रहमिया खान में गैस्ट्रो की वबा बेकाबू, शेख जैद अस्पताल में 24 गुजश्ता रात से जबकि आज 25 मरीज रिपोर्ट हुए, मरीजों में 10 बच्चे 8 खवातीन और 7 मर्द शामिल, माहरीन सेहत का शहरियों को गैर मियारी अशिया खाने से परहेज का मशवरा। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में खसरा बचाओ मुहिम चलाने का फैसला, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का लैया में खसरे से मुबैना अमवात का नोटिस, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली, 15 से 27 अक्टूबर तक मुहिम चलाने के भी अहकाम जारी। मुजफ्फरगढ़ तैयब उर्दगान अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, रान डिलीवरी बच्ची की हलाकत पर वोटसा का एहतजाज, डीडी खान रोड पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। अहमदपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजा के जाँ भाग होने का मामला, रोही पर खबर नशर होने पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर मोहम्मद अयूब खान इन एक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर को इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत, कसूरवार को सजा देने की भी यकीन दहानी। सादकाबाद में पुलिस का सगे भाइयों पर बरहना करके तशद्दुद,
डीपीओ रहीमिया खान ने एएसआई और नायब मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया। सोमवार को दोनों फ्री कैन भी तलब। लकड़ी चोरी से मना करने पर बासरा अफराद का फॉरेस्ट गार्ड पर तशद्दुद। महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ भी मुतहर्रिक। कंजर्वेटिव जंगलात जावेद गुल मुतासर शख्स को फौरी इंसाफ दिलवाए। बहावलनगर मोहल्ला नजीर कॉलोनी की रिहायशी बेवा खातून इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। दुखियारी मां की बेटी को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। आला हुकाम से इंसाफ की अपील। कबीरवाला में घरेलू हालात से तंग मेहनतकश का बच्चों को जहरीली गोलियां खिलाने का वाकया। एक बच्चा निश्चर अस्पताल में दम तोड़ गया। मेहनतकश ने खुद भी जहरीली गोलियां खा ली थी। निश्चर अस्पताल मुल्तान में जेरे इलाज मुतासर शख्स वकास और दूसरे बच्चे की हालत भी तश्वीशनाक। बिजली चोरी रोकने के लिए मैपको और पुलिस कोशा। सखी सर्वर पुलिस और मैपको की मुश्तरक कार्रवाई। बिजली के पोल और तारें चुराने वाले रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैपको सब डिवीजन सनावा के गफलत। शेख रोड पर लगे बिजली के बोसीदा और टेढ़े खंभे तब्दील ना किए जा सके। लकड़ी और लोहे के पोल्स के सहारे पर खड़े खंभे हादसात का बायस बन सकते हैं। इलाका मकीनों का अरबाबी इख्तियार से नोटिस का मुतालिबा। मैपको अहलकार भी बिजली के बोसीदा निजाम का शिकार। अलीपुर खैरपुर चौक पर बिजली के गिरते खंभे मुंतकिल करते 11 मैपको अहलकार करंट लगने से मुतासिर। उधर कहरोड पक्का में बिजली की लटकती बेहंगम तारें शहरियों के लिए वबाले जान। मैपको की बेहिसी पर शहरी परेशान। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। मुल्तान गरीबाबाद की रोड की हालत भी गरीब। जा बजा गढ़े पड़ने से सड़क खस्ता हाल। शहरियों का हुआ बुरा हाल। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। डीरी खान चिड़ियाघर या कचरा घर। इंतजामिया की अदम तवज्जही का बायस जा बजा गंदगी के ढेर। लोग मायूस होकर वापस लौटने लगे। शहरियों के इंतजामिया से तफरीही मकाम को साफ रखने की अपील। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्तान भावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में शिदतकारी मुहिम। सरकारी अफसरान और सियासी शख्सियात ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। बहावलपुर आस्ताना प्याली शाह पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास। शहर भर के जुलूस लाइसेंस होल्डर्स की शिरकत। मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों का लाहे अमल मुरतब किया गया। सादकाबाद का 22 साल नौजवान बोन मैरो के मूजी मर्ज में मुब्तला। नबीना माँ और माजूर भाई वाहिद कफील। इलाज मुआवजा कैसे कराए कफील खुद अलील। रोही के तवस्सुत से मुखय्यर हजरात से इलाज करवाने की अपील। मुल्तान रेलवे हुकाम का अच्छा इकदाम। ट्रेन में सामान भूलने वाली फैमिली को सामान वापस कर दिया। फैमिली कराची से मुल्तान आ रही थी। कीमती सामान में तलाई जेवरात भी मौजूद थे। ग्लोबल पीस चेन के जरह तमाम 20 ममालिक का 10 रोजा दौरा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए रहीमिया खान से मैप्स फाउंडेशन की शिरकत। नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट मेयर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें। दौरे का मकसद अमन और दोस्ती का पैगाम फैलाना था। पीएसएल में खेलने के लिए पुरअजम हूँ क्रिकेटर अब्दुल रजाक कायद आजम ट्रॉफी ग्रेड 1 के सिलसिले में मुल्तान में मौजूद। कहा मुकम्मल फिट हूँ पीएसएल खेलने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। रहीमिया खान ने पीसीबी के जरिए तमाम अबासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रीजन भावलपुर के लिए अंडर 16 के ट्रायल जारी। 150 से ज्यादा खिलाड़ियों की ट्रायल्स में शिरकत। उधर मुजफ्फरगढ़ में आल पाकिस्तान खासी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सेमीफाइनल में शाहीन क्रिकेट क्लब मुल्तान शाहरुख क्रिकेट क्लब मध्य मुकाबिल। शाहीन क्रिकेट क्लब की मुल्तान को 50 रन से शिकस्त। डीजी खान में मार्शल आर्ट्स के चर्चे। फाइटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स के जरिए तमाम कराटे बुलेट प्रमोशन तकरीब। कामयाब तलबा को मेडल्स और प्रमोशन बैलेट से नवाजा गया। और मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में मैपको और आर्मी टीम के मबैन बास्केटबॉल का मैच। आर्मी के जवान और मैपको मुल्तान की शान हुए मध्य मुकाबल।
मैप को मुल्तान ने जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए मैच अपने नाम कर दिया।